यहाँ पर हो गया ना शुरू, स्टार्ट है ना। चलो ठीक, कर दूंगा मैं, कर दूंगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सुनील बड़ोनी आपका स्वागत करता हूं मैं स्टूडियो एनग्रेव चैनल में। बच्चे ये हमारी टीम है जो आप लोगों को एजुकेट कर रही है, जो आप लोगों की हेल्प कर रही है आप लोगों को सरकारी नौकरी के पास ले जाने के लिए। एलजेब्रा इमेजिनेशन पार्ट टू, एलजेब्रा का आज हम पार्ट टू कर रहे हैं बेटा। 11 साल से ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, 11 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2 लाख से ज़्यादा, जल्दी जल्दी आ जाओ साथ में, 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को मैं कोचिंग दे चुका हूँ। ये बच्चे हमारा टेलीग्राम ऐप है और ये हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप है। बच्चे इसको जितनी जल्दी हम इंस्टॉल करेंगे उतनी जल्दी मालूम पड़ेगा मेरी आगे की क्लासेस के बारे में। मैं उम्मीद करूंगा मेरी पिछली वीडियो भी उन सभी बच्चों ने देख ली होगी जो मुझसे अभी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ बेटा एसएससी हमारा गोल है, इसको हम नहीं भूल सकते हैं। बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम एक बार अगर हम एक साल के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम अपने उन सभी फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं जो अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़े हुए हैं। रियल टाइम इंट्रैक्शन होता है, लाइव तुम्हारे ऑन द स्पॉट बता दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारण से हम उस समय लाइव नहीं है तो इसको हम डाउनलोड करके हम अपने ऑफलाइन में भी देख सकते हैं। ये हमारी बेटा एजुकेट टीम है जो आप और आप लोगों का टेस्ट होता है, मंथली होता है, मॉक टेस्ट होता है, ठीक है ना, वीकली टेस्ट है। बच्चे ये हमारी टीम जो आप लोगों की हेल्प कर रही है क्लासेस लेने के लिए। सबसे विशेष बात बेटा आज से मेरा शुरू हो चुका है अनअकैडमी प्लस कोर्स, तो कुछ बच्चे जुड़े भी थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। लेकिन अगर हम लोग एस पी लाइव कोड का यूज़ करते हैं तो बेटा जो फीस हमारी 6,000 रुपये है एस पी लाइव कोड को यूज़ करके उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है और यह फीस हो जाती है एक साल के लिए 5,400 रुपये। इसके साथ साथ बच्चे अगर हम 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं 10% डिस्काउंट के साथ एस पी लाइव कोड, देख लो बेटा रेड में एस पी लाइव कोड इसको यूज़ करना है तो हमारी यही फीस हो जाएगी 8,640 रुपये। क्लियर है बच्चे? फिलहाल एलजेब्रा इमेजिनेशन पार्ट टू, उम्मीद करूंगा कि आज 2:30 बजे वाला प्रीमियम हम लोगों ने देखा होगा। 11:15 बजे मैं फिर लाइव था, वो भी कई बच्चे थे मेरे साथ। बेटा अब तुम्हारे लिए मैं 4 बार अवेलेबल हूँ डेली, 4 बार। वो 4 बार कब है? एक तो अभी का टाइम हमारा 7:30 का, एक चलो मॉर्निंग से बताता हूँ, 11:15 बजे मॉर्निंग, 2:30 बजे प्रीमियम, 7:30 बजे फिर लाइव। 3 बार इसी चैनल पर अपन लोग मिलेंगे डेली, और अनअकैडमी प्लस में सुबह 10 बजे। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर टाइम चेंज कर दो, तो टाइम बिल्कुल चेंज करेंगे इस महीने, तो मेरी मान लो अगले महीने से जो भी तुम्हारा मेजोरिटी कहेगी मैं उस टाइम में आ जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो एलजेब्रा इमेजिनेशन पार्ट टू आज कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया क्या, मैं 3 क्वेश्चन तुम्हें मेंस के कराऊंगा। एक है बेटा 2013 मेंस का, एक है 2016 मेंस का, एक है 2017 सीजीएल मेंस का। 3 क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को डील करना है, इसके ऊपर मैं तुम लोगों से चर्चा करूंगा। तुम्हें बेटा तुम्हारे दिमाग से डर हटाना चाहता हूं एडवांस मैथ का, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने आ ही रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करें। जैसे अभी हमने 2:30 बजे किया कि यार हर क्वेश्चन का आंसर भाई 2 आ रहा है, तो क्या क्या हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो हमारे 1 से 25 तक या मेंस में 100? नहीं, ऐसा तो नहीं है बेटा, एक खास फॉर्मेट है। आज जिन मैं 3 क्वेश्चंस की आप लोगों के साथ अभी बात करने वाला हूं उसमें कुछ खास संबंध है, कुछ खास बात है, ताकि 2013 मेंस, 2016 मेंस, 2017 मेंस अगर ये 3 बार मेंस में आ गया है खास फॉर्मेट पर, भविष्य में हो सकता है ऐसा फिर आ जाए। अगर ऐसा आ जाएगा तो आज जरूरी है कि मैं क्वेश्चंस को किस तरीके से देखता हूँ, ठीक है बेटा। अपनी अगर मेरी क्लासें तुम्हें अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो क्योंकि इसमें क्या होगा मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि मोटिवेशन का तुम्हें ही भाई इसमें फ़ायदा पहुँचता है, मुझे भी फ़ायदा पहुँचता है ना भैया। अगर पॉजिटिव वे से हम बात को लें तो देखो, एक को तो कहता है नहीं यार ये तो बेकार पढ़ाता है, तो ठीक है बेटा तुझे देखने की भी जरूरत नहीं है तो तू दूसरे को भी क्यों बताएगा। मैं तो उन सभी बच्चों से कह रहा हूँ जिन्हें मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगता है,
जो भी मैं मेहनत कर पा रहा हूँ बच्चे आप लोगों के लिए, क्वेश्चन का कलेक्शन ला रहा हूँ, एक तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ना, मैंने तीन चार, अब डेली चार बार आ रहा हूँ, तीन बार तो तुम्हारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है, तो बेटा ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम्हें एक ही बार में लंबी क्लास ले सकता था, पर टुकड़ों में क्लास ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों के ऊपर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। वैसे भगवान ने दिमाग बहुत कम दिया हुआ है, उसमें एक ही बार में सारा कैसे पढ़ लेंगे। चलो फिलहाल बच्चे, खास फॉर्मेट 2013 मेंस सीजीएल का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बेटा। सीजीएल का क्वेश्चन 2013 मेंस, खास अंदाज है सवाल का, प्लीज देख लो। पहले इस क्वेश्चन को देख लो, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे फिर क्या है और क्या नहीं है। पहले क्वेश्चन की फॉर्मेट देख लो बेटा, मच्छर भी परेशान, देख पा रहे हो? अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, चूंकि ओरिजिनल क्वेश्चन है तुम्हें हर किताब में प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा, तो ठीक है। कई बच्चे आंसर बता देते हैं, बहुत गजब सवाल है। ऑप्शन किस में दिए गए हैं बच्चे, हमें ऑप्शन किस में दिए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में। एल्जेब्रिक फॉर्म देखो, एल्जेब्रिक का मतलब एक दो तीन चार नहीं है, इस तरह का एल्जेब्रिक फॉर्म है। पक्की बात है बेटा, जिस अंदाज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिस अंदाज में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और फॉर्मेट के ऊपर बात करूंगा बच्चे, ध्यान से देखना फॉर्मेट। ये है बेटा, यहां से x का मान पूछा गया, देखना आज बच्चों से डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। यह हमें गिवन है बेटा, यहां से जो भी बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है जिसे मैथमेटिक्स आता है, वो ये सोच ही नहीं सकता बेटा कि इसका इसका तुम एलसीएम लेने की सोचो, क्योंकि एलसीएम लोगे तो क्वेश्चन कहाँ चलाएगा सोचो, ठीक है। अगर मैं कुछ फेमस किताबों की बात करूँ, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ उन किताबों का, क्यों मैं अपने मुँह से उन्हें फेमस करूँ, ऑलरेडी फेमस है, लाखों बच्चों से पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करा गया है, ऑप्शन की मदद ली गई है कि x बराबर ये करने के लिए यहां ये वैल्यू पुट कर दी इस पूरे में। तो किताबों ने क्या करा है बच्चे, किताबों ने करा है इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस बी, ये मैं तुम्हें सॉरी b प्लस सी, ये मैं थोड़ा सा किताबों का तरीका तुम्हें बता दूं। फिर यहां फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये पता नहीं क्या फिर ये, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को। तो आंसर फिर भी बेटा बाय लक ए है सही आंसर, लेकिन अगर यही बी और सी में हम चले जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका बता रहा हूं, चाहे मैं तुम्हें 10 मिनट पढ़ाऊं, चाहे 12 मिनट पढ़ाऊं, चाहे मैं तुम्हें एक घंटा पढ़ाऊं, लॉजिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और अगर वहां से कोई छोटा तरीका है, कोई भी छोटा तरीका है, तो उसको चुराने का प्रयास करेंगे बेटा, क्योंकि अगर हम उसे नहीं चुरा पाएंगे तो हमारा कार्यक्रम फिट नहीं हो पाएगा। मेंस 13 का सवाल मैं क्या करने लगा हूं बेटा, मैं यहां पर ए को ए बराबर बी बराबर सी बराबर है वन पुट कर रहा हूं, चुपचाप देखते रहना, कॉपी पेन लेके पोस्ट कर करके वीडियो को देख लेना, ठीक है बेटा। अच्छा कोई कहता सर आपने जीरो क्यों नहीं लिया, तीनों के बदले छोटा नंबर जीरो है। अरे मेरे बच्चे, अगर तूने पहले की क्लास से ली है, कल शाम को तो 7:30 बजे था, तो मैंने बताया था बेटा कि बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, मैंने बताया था ना बच्चे ये बात कि हमारा बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, वरना मेरा बस चलता तो मैं ए बी सी को जीरो ही मान लेता तीनों को। फिलहाल इधर आ जाएंगे बेटा, अगर मैं ए बी सी को वन मान लेता हूं तो क्या ये बन जाएगा बेटा, क्या ये बन जाएगा ध्यान से देखना बच्चे, x माइनस वन अपॉन टू, x माइनस वन अपॉन टू और x माइनस वन अपॉन टू बराबर है 4 1 + 1 + 1, ठीक है बच्चे। अगर मैं यहां से 2 एलसीएम ले लूं तो देखो ये हो जाएगा बच्चे 3x - 3, है ना बच्चे, अरे एलसीएम लेके ये तो आएगा, और 4 × 3 = 12, क्या ये हो जाता है बेटा, ध्यान दो बच्चे जल्दी से, 3x - 3 = 24,
क्या ये हो जाता है 3x बराबर है 27 और ये हो जाता है x बराबर है 9, x बराबर है 9 बच्चे। अब ऑप्शन में आ जाएंगे कि जहां पर मैं a प्लस बी प्लस सी सॉरी जहां पर मैं a बी सी को 1 पुट करूंगा तो 9 कहां से आ रहा है। मैंने यहां देखा बच्चे देखो, मैंने यहां पुट किया a बराबर बी बराबर सी बराबर 1, तो क्या ये बन जाता है, क्या ये बन जाता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर जो कि मुझे दे देता है 3 का स्क्वायर जिससे मेरा आंसर आ जाता है 9। और 9 यहां पर था, 9 यहां पर था, इसका मतलब जो मेरा सही आंसर है वो ए ही है, वो ए पार्ट है बेटा। ठीक है, बहुत सी लड़ाइयां होती हैं सवाल में, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख दर्द जानता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आ सकता है। एक बच्चा कहता है सर आपने जबरदस्ती ए बी सी को 1 पुट किया, कुछ और भी पुट कर ले। मैंने कहा पुट कर ले, ए बी और सी को बेटा 5 पुट कर ले तो भी सेम आंसर आएगा। कह रहा सर आप तीनों नंबर बराबर लिख रहे हो। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ए को पुट कर ले 2, बी को पुट कर ले 5, सी को पुट कर ले 8। कह रहा सॉरी सर, क्या हुआ भाई। कह रहा गुरुजी यहां आपने ना इनका कॉमन डिफरेंस सेम ले लिया, 2 और 5 का 3, 3 का डिफरेंस, 5 और 8 का 3 डिफरेंस। मैंने कहा ठीक है भाई ये ले तू पुट कर ले, ए को 23, बी को 9999 और सी को 9,99,000 जो भी बनेगा। तुम्हें पता है बेटा चाहे तुम ये पुट करो, चाहे तुम ये पुट करो और चाहे तुम ये पुट करो यहां पर तो तुम्हारे पास सेम आंसर आएगा, तुम्हारे पास सेम आंसर आएगा। तो क्यों ना मैं पुट कर लूं, क्यों मैं ना पुट कर लूं ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, देखो ए बराबर बी बराबर सी, छोटे नंबर। ठीक है, फिर ये तरीका मार्केट में घूम रहा है बेटा, मार्केट में घूम रहा है। पर अब फिर से मैं चाहूंगा जो मेरे बच्चे हैं जो कल क्लास ले रहे थे मेरे साथ 7:30 बजे, आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रेगुलर जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं बताऊं बेटा कुछ अलग अंदाज इस क्वेश्चन को करने का। फॉर्मेट ध्यान दे दो, ये जो मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा इनको ध्यान से देखना है आज, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है बेटा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे कमेंट का भी जवाब दूंगा, सारी बातें लाइव करेंगे। आज थोड़ी सी दिक्कत है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटा सिर्फ तुम देखते रहो बच्चे कॉपी पेन हाथ में लेके, क्या फॉर्मेट है। मैंने क्या करा बेटा, मैंने यहां पुट किया ए बराबर बी बराबर सी तो पुट कर रहा हूं, पर 1 2 3 पुट कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इन सबको ए बना रहा हूं। तुम चाहो तो सबको बी बना सकते हो, सबको सी भी बना सकते हो। क्या ये हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर बटे में ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए 2a, ध्यान देना बेटा क्या ये हो सकता है। अब जब तुम सबको ए बनाने में आ ही गए हो, तुम बी भी बना सकते हो सी भी बना सकते हो, 2a x माइनस ए स्क्वायर 2a बराबर है 4 इंटू में 3a। अरे यार 3a तो हो जाएगा बेटा जब a बराबर b बराबर c आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ गया बेटा, ऊपर से क्या आ गया 3x माइनस 3a स्क्वायर, अरे यार डायरेक्ट लिख दिया, बराबर है 12a। क्लियर है बच्चे। अब यहां से 2a भी होगा ना, सॉरी यहां से 2a भी होगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या यहां से 3 कॉमन लिया जा सकता है, x माइनस ए स्क्वायर बराबर है 12 दूनी 24 ए स्क्वायर, है ना भाई, ये 3 कटा इससे तो यहां क्या आ गया बेटा, यहां क्या आ गया 8। तो इसका मतलब हुआ x माइनस में ए स्क्वायर बराबर है 8 ए स्क्वायर और ये बराबर क्या हो गया x बराबर है 9 ए स्क्वायर
जल्दी से ए बराबर सी बराबर ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए सबको ए बना दो। तो तुम यहां ध्यान से देखो बेटा, यही हिस्सा पहले वाला हिस्सा जो कि मेरा सही आंसर था, क्या ये नहीं हो जाएगा बेटा? थ्री ए का स्क्वायर बराबर है नाइन ए स्क्वायर, मतलब कि यही मेरा आंसर हुआ, यही मेरा आंसर हो गया बेटा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सही आंसर बना देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बना देते हैं, पर क्या मैं सबसे सही सबसे जल्दी आंसर बता रहा हूं? अब मैं तो बच्चे अगर तुम सही मानो तो इस बात को भी फेवर नहीं करता। अब कोई कहा ये अलग तमाशा ले आया, अब ये क्या बताने वाला है बेटा? एक खास बात देखो, क्या एक साइकिल की तरह तुम्हें लग रहा है गेम? वो साइकिल क्या है देखो बेटा, बड़े आराम से चलना है। पहले क्वेश्चन में पूरा टाइम ले रहा हूं ताकि बाकी के दो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा टाइम ना लगे बेटा। देखो ये ए है तो नीचे बी और सी है, ए बी सी तीन है ना, ए बी सी, ए है तो नीचे बी और सी है, यहां बी है तो यह सी और ए है, मतलब जो ऊपर है वो नीचे नहीं आ रहा, यहां सी है तो यहां ए प्लस बी है। जब बच्चे तू ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए कर रहा है, सबको ए बना रहा है, तो ये बता जो चीज ये है, जो चीज ये है वही चीज ये दोनों भी हो जाएंगी, वही चीज ये दोनों भी हो जाएंगी, मतलब कि बेटा जो टोटल है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे थ्री मल्टीप्लाई, फिर लिख देता हूं यहां थ्री मल्टीप्लाई पहले, क्योंकि जो ये है वही है, वही यही है। अब कोई कहेगा सर आप क्या बता रहे हो, देखो दोबारा देखो बेटा, पोस्ट कर करके सुनिए मेरी बात, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले क्वेश्चन करे, सबसे पहले क्वेश्चन करे। देखो बेटा जैसी मैंने इस क्वेश्चन में लिखा ए बराबर है बी बराबर है सी, ए बराबर है बी बराबर है सी, तो इस पूरे को वो लिख देगा, उसे लिखना चाहिए थ्री इंटू में एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन में टू ए। फिर से समझेंगे बात को, क्योंकि ये जो है और ये है ये सारा एक ही है। अगर मैं ए बी सी के बदले ए पुट कर देता हूं, तो जब ये सारा एक ही है और ये तीन जगह हैं एक दो तीन, तो वो तीन की वजह से यहां तीन आ गया। और सबसे पहले वाला फॉर्मेट मैंने लिख दिया बी और सी के बदले, चूंकि मैं ए लिख रहा हूं तो ये टू ए आ गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा? बराबर है ये हो गया फोर इंटू में थ्री ए, फोर इंटू में थ्री ए। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इससे ये कट जाएगा तो क्या ये नहीं हो गया बेटा एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर है आठ ए स्क्वायर, एक्स बराबर है आएगा तो वही जो हमारा पहले आया था, पर मुझे टाइम बचाना है, एक्स बराबर नाइन ए स्क्वायर। जब तुम यहां पुट करोगे ए बराबर सी बी बराबर सी बराबर ए, तो वो कहीं ना कहीं से बन जाएगा हमारा नाइन ए स्क्वायर। कहने का मतलब है बेटा मेरा आंसर यही हो गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चे प्लीज मेरी बात देखो, तो सही आंसर या सही आंसर तो बहुत सारे निकालते हैं हम, तरह तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, हजारों क्वेश्चन कर रहे हैं, पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस प्रकार के सवालों को मैंने कल भी मना किया था कि हमें वैल्यूज को एक्यूरेट नंबर को अवॉइड करो जहां तक हो सकता है, जहां हम फंस जाएंगे वहां नंबर भी पुट करने वाले हैं भविष्य में। एक बार फिर समझेंगे बेटा मैंने क्या करा बेटा, मैंने ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए पुट करूंगा, तो ये सबसे ऊपर वाले तीन फंक्शन है मेरे पास, तीन फंक्शन है, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं तुम्हें, एक दो और ये तीन, इसकी वजह से यहां क्या आ रहा है बेटा, तीन आ रहा है, क्योंकि तीन है, चार होगा तो चार आ जाएगा, पांच होगा तो पांच आ जाएगा। और ये सबसे पहली फॉर्मेट को मैंने ये लिख लिया, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने बी और सी को ए बनाया तो नीचे वाला टू ए बन गया। बाकी क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बेटा, क्वेश्चन की शक्ल देख लो, सूरत पहचान लो, क्योंकि तीन साल बाद मींस 16 में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तुम्हारे लिए पूरा प्लान कर रखा है, तुम्हारे लिए पूरे अनअकैडमी की टीम सिस्टम से चल रही है। देख भाई ये तो एक प्रैक्टिकल है कि मुझे बोलना पड़ेगा एसबी लाइव कोड को यूज करो, ठीक है भैया?
क्यों? क्योंकि यार अब इतनी तो कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है ना कि जब पैसा नहीं आएगा तो वो पैसा मुझे भी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो बेटा फिर अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि बिल्कुल ये करके जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। और तो इसलिए प्लस कोर्स को भी हमें एसपी लाइफ कोड को भी यूज़ करना है, ठीक है, वो तो अलग बात हो गई। दूसरा बेटा, तुम्हारे लिए पूरी मेहनत हो रही है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ रहा है ताकि तुम गवर्नमेंट जॉब के और ज़्यादा नज़दीक पहुँच पाओ। मैं ही नहीं, अनएकेडमी टीम का, और अनएकेडमी क्यों यार, कोई भी टीचर, जिस भी टीचर से तुम पढ़ते हो ना बेटा, वो तुम्हारे लिए 100% देने की कोशिश करता है। वो अलग बात है कई बार हम कामयाब हो जाते हैं, कई बार हम कामयाब नहीं पाते हैं, पर हर टीचर की यही मंशा होती है कि मुझसे पढ़ने वाला बच्चा जिस गोल के लिए जा रहा है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा है तो उसकी जॉब लग जाए। फिलहाल क्वेश्चन में ए बराबर बी बराबर सी बराबर है ए पुट करना है, जैसे कि मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है बेटा। अब प्लीज़ मुझसे बार बार कहानी मत सुनना कि क्या ये मेन 16 क्वेश्चन, ये CGM लिख दिया भाई, CGM नहीं है भाई, ये CGL है। देखो बेटा, ये एक टर्म है, वही चीज़ है। देखो ऊपर ए और सी है, नीचे बी और सी है, यहाँ बी और ए है तो यहाँ सी और ए है। तो क्या गजब सवाल है, यहाँ सी और ए है तो ये एक साइकिल की तरह चल रहा है, साइकिल की तरह चल रहा है, ठीक है। मैं जैसे ही इस क्वेश्चन में, अब ऑप्शन को तो मैं सोच ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन पुट करना तो बड़ा भारी हो जाएगा। मैं जैसे ही बेटा इस क्वेश्चन में पुट करता हूं, ए बराबर है बी बराबर है सी, मैं बराबर ए लिख दूं क्योंकि सबको मैं ए बनाने वाला हूं, सबको मैं ए बनाने वाला हूं। जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से क्या मैं यहां लिख सकता हूं बेटा, 3 × में। और अब मुझे बताने की जरूरत है 3 क्यों आया, क्योंकि एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, सब मुझे एक ही वैल्यू देने वाली है, एक्यूरेट एग्जाम को क्वेश्चन है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 × में, ध्यान देना बच्चे मेरे, ध्यान देना, सबको मैं ए बना रहा हूं, तो एक्स प्लस में ए स्क्वायर प्लस में सी भी ए ही बन गया। मैं सबको ए बना रहा हूं, तुम चाहो तो तुम बी बना लो, तुम चाहो तो सी बना लो, सेम आंसर आएगा। और बटे में आ गया बेटा 2a बराबर है 0, क्योंकि 3 आ गया तो बाकी 2 स्टेप भाई, यही तो टाइम बचा रहे हैं हम, यही तो टाइम बचा रहे हैं। ये 2a इधर आके 0 और ये 3 इसके नीचे आके 0, तो फाइनली मेरे पास बन जाता है, अरे यार गलती हो गई, ये 2c² नहीं है भैया, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, ये a है ना, क्योंकि सी ए बन गया। तो बेटा ये हो गया एक्स प्लस में 3a² बराबर 0, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2a ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो वो 0 बन जाएगा। तो x बराबर आ गया बेटा -3a² एक्स बराबर आ गया बच्चे -3a². अब जल्दी से देखो, जब तुम a बराबर b बराबर c सबको a बना दोगे तो पक्की बात है जो हमारा यहां से बचेगा बेटा, जो हमारा यहां से बचने वाला है वो बचेगा मेरे बच्चे 3a², और मैं नहीं समझता कि ये सही है, क्योंकि मुझे तो -3a² लाना है। अगर यही चीज मैं b में पुट करता हूं, a बराबर b बराबर c बराबर a, तो बाहर माइनस का साइन दिया हुआ है, ये बन जाएगा -3a², और यही यही मेरा यहां से भी आ रहा था, तो इसका मतलब हुआ बेटा मेरा आंसर b आ गया, मेरा आंसर b आ गया। अब बात यह है कि अगर तुम्हारा भी इसका आंसर b ही आ रहा था तो ये b हमारा कितनी जल्दी आ रहा था ये ज्यादा मैटर करता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चे, कुछ बातें हो रही हैं क्लियर जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन की शक्ल देख लो, ए ऊपर बी और सी नीचे, बी ऊपर ये नीचे, एक्स का मान पूछा गया, मेंस 13 का सवाल, एल्जेब्रिक फॉर्म में ऑप्शन थे। यहां देख लो बेटा, यहां देख लो, खास अंदाज में सवाल है, दीवार में सर मत मारो, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तोप चला दूंगा, मैं पहाड़ खोद दूंगा, कुछ नहीं हो सकता यार, तरीके से चलना पड़ेगा। अगर तू सही आंसर कम से कम टाइम में लाता है, देख भाई मुझे जो बच्चा जानता है मुखर्जी नगर वगैरह में, वो जानता है मैं बदनाम हूँ, बडोनी है भाई, वही बडोनी जो शॉर्टकट भाई बहुत शॉर्टकट बताता है। मैं समझता हूँ बेटा, तुम अगर SP लाइव कोड को यूज़ कर रहे हो, देखो अपना प्रमोशन दोबारा कर दिया मैंने, अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम लोगों को शॉर्टकट ही तो सीखने हैं यार, गणित सीखने बैठा है क्या यहाँ? मैथमेटिक्स नहीं सिखाया जा रहा भाई, मैं तुम्हें मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। तुम एक बार आ जाना अनअकैडमी प्लस कोर्स में, जो मेरा अगला टॉपिक होगा कल या परसों में, वो होगा प्रिज्म, सॉरी फ्रस्टम, देखना क्या क्या अंदाज से बताओ। कोई कहेगा सर ये क्या फ्रस्टम, क्लास में आ जाइयो अनअकैडमी प्लस कोर्स में 10 बजे, देख लियो बेटा
क्या क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट टर्म एक बात दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ जिंदगी सब कुछ भूल जाएगा, फर्स्ट टर्म नहीं भूलेगा। क्लियर है? तरीके तुम्हारे सामने है, ये तीन क्यों आया है, ये तीन क्यों आया है शायद मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या अपन लोग चले मेन 17 के क्वेश्चन में? मेन 17 के क्वेश्चन की बात करूं, मैं इसका डेट मेरे पास होगा पर ठीक है बाद में बता दूंगा तुम्हें डेट क्या थी इसकी। सीजीएल मेन 17 ये 2018 को पेपर हुए थे जो फरवरी महीने में वो है। देखिए कुछ दिख रहा है तो ये ए बेटा बी बी बेटा ए, मार्का ले लेता हूं पीले वाला, खास अंदाज मेन 17 देख ए बटा बी बी बटा ए, ध्यान से दिखता रही बच्चे, बी बटा बी बी बटा सी सी बटा बी सी बटा ए ए बटा सी, तो ये देख रहा है सर नीचे टांग ऊपर हो रहा है, देख ले ए बटा बी है तो बी बटा ए है, शीर्षासन करवा रहे हैं बाबा रामदेव वाला, बी बटा सी है तो सी बटा बी है, सी बटा ए है तो ए बटा सी है, खास अंदाज के क्वेश्चन है बच्चे। मेन 17 में यह सवाल पूछा गया जिसके लिए हल्ला था कि भैया पेपर वोटा फार है। देख बेटा मैं तो ये सच बता रहा हूँ यार, सरकारी नौकरी लेनी है कुछ भी हो जाए सरकारी नौकरी लेनी है, अब मैं ये तो कह नहीं सकता कुछ भी हो जाए हो कैंड करो, मैथमेटिक्स नहीं आता ना, बावजूद इसके इंस्पेक्टर रैंक मिल जाएगा मान ले मेरी बात, 90 दिन मार्च तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और दावे के साथ कहता हूँ बेटा कुछ कुछ चीज़ें सीख लो, कुछ बातें ध्यान में रख लो, प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो और 100% सक्सेस हमें मिल जाएगी। अब मुझे मालूम है कई बच्चों ने सही सही आंसर निकाल दिया है, कैसे निकाला है कैसे निकाला है, देखो अगर मैं बेटा खुद बताओ ए बराबर बी बराबर सी रखता हूँ सबको बराबर रखता हूँ तो बेटा तुझे लगता है ना, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ ये ले तू कर ले भाई ऊपर वाला ये वाला हिस्सा ये क्या बन जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा ए बटा ए, यार तो सबको बराबर ही तो रख रहा है, ये कट गया ये कट गया एक और एक दो आ गया, ये एक्स बराबर आ गया, यहां से देख यहां से ये क्या आ जाएगा बेटा जल्दी बता ए बटा ए, और मैं जानता हूं कई बच्चे तो पेन भी नहीं चला रहे वो सीधा ही कह रहे हैं दो आ रहा है दो यहां ये भी क्या आ गया बेटा दो आ गया, अब ये कट गया ना सब आपस में, ये क्या आ रहा है बेटा ये क्या आ रहा है, फिर से ए बटा ए ए बटा ए ये भी दो आ गया, और मैं तो क्या चाह रहा हूं कि जो भी मेरा स्टूडेंट है जो मुझे फॉलो कर रहा है जो कुछ तरीके, देखो मैं तुम्हें मैथ यार ये बताओ मेरी कोई औकात है मैं एक बीटेक को मैथ पढ़ा दूंगा यहाँ बैठा के, जो बच्चा भाई मैं खुद बीटेक हूं नहीं मैंने एमएससी मैथ किया हुआ है, जो बच्चा बीटेक है क्या मैं उसे मैथ पढ़ा सकता हूं, इतनी औकात समझ रहे हो तो मेरी नहीं है भाई, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल अलग ही चीज है, पर जो बच्चा यहाँ चाहे वो बीटेक है चाहे वो बीएससी है चाहे उसने मैथ पढ़ा है चाहे उसने मैथ नहीं पढ़ा चाहे वो दसवीं में सिर्फ और सिर्फ मैथ की वजह से दो बार उसने टेंथ करी है सिर्फ वो बच्चा भी बेटा इन चीजों को बहुत अच्छे से कर सकता है। देखो ना मैं क्यों चाहूंगा मेरा कोई बच्चा इस लाइन को भी लिखे, जब तुझे पता है ए बराबर बी बराबर सी रख रहा है तो क्या ये सारा का सारा हिस्सा, देखो ये लाल पेन से देख लो गोला लगा रहा हूं, क्या ये सारा का सारा हिस्सा नहीं बन जाता बेटा दो, क्या ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा ठीक है भैया, जब तू बराबर रखेगा तो देख लेना कंप्यूटर स्क्रीन में देख ले सारा बी बटा सी और सी बटा बी, जब ये सारे ही बराबर है तो पक्की बात है कि ये हिस्सा भी क्या बन जाएगा बेटा दो बन जाएगा, और ये वाला जो लास्ट वाला हिस्सा है ये हिस्सा भी क्या बन जाएगा दो बन जाएगा, रटवा नहीं रहा हूं यार तुम्हें तरीका बता रहा हूं, मतलब एक्स भी दो आ गया वाई भी दो आ गया जेड भी दो आ गया, तो दो अब तुम ये सारा का सारा पोर्शन यहां पुट करो, दो दुनी चार दुनी आठ, दो का स्क्वायर दो का स्क्वायर दो का स्क्वायर, ये लो ये -4 -4 -8 बन गया, ये इससे कट जाएगा -4 विल बी द आंसर, कई बच्चे सोच भी सकते थे कि इसका आंसर -4 आ सकता है। ठीक है बेटा फिर से पहले क्वेश्चन देख पा रहे हो शकल, दूसरा क्वेश्चन शकल और तीसरा क्वेश्चन, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं बेटा आ रहा है समझ में, देखो तुम्हें फॉर्मेट को पकड़ना है छोटे तरीका बताना मेरा काम है, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, प्रैक्टिस करना बच्चे तुम्हारा काम है, क्लियर है ना, प्रैक्टिस करना बेटा हमारा काम है रहा हमारा रहेगा कि हम एक क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। फिलहाल अच्छे से सो जाओ, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, इस प्रकार के और क्वेश्चन कहाँ से हो सकते हैं मैंने प्लान कर रखा है बहुत कुछ तुम्हारे लिए, कितने क्वेश्चन तुम्हें कराने हैं कैसे कराने हैं, एस वी लाइव कोड को यूज़ करो,
सौरभ कोर्स लो बेटा एसबी लाइव कोड यूज करके, फिलहाल अच्छे से सो जाओ, तैयारी करो। देखो ये ऐसे 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 कर रहा है तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। तो बच्चे थैंक्स, लेट्स क्रैक इट बच्चे। कहाँ जाने इसमें?